हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने सारा देख लिया था कि हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ जो 10th क्लास की थी वो यूज़ की थी। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन आया आपको फाइंड वैल्यू ऑफ, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, इट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टैन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 एंड सीकेंट इनवर्स माइनस 2। ठीक है, तो आपको पता है टैन के टेबल पर 1 वैल्यू कहाँ होती है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 लिखते हैं। सिमिलरली रूट 3/2, अगर साइन के साथ माइनस होता तो माइनस बाहर कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो ये बचा साइन इनवर्स रूट 3/2, और साइन पे रूट 3/2 होता है पाई बाय 3 पे, और सीकेंट इनवर्स अगर माइनस में हो तो माइनस कॉमन नहीं आता, उसको हम पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 लिखेंगे। पाई ऐसे ही रहा, और सीकेंट इनवर्स 2 कहाँ होता है, पाई बाय 3 पे। इन तीनों को एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, पाई में से पाई बाय 3 का 2, पाई बाय 3 फिर एलसीएम ले, या एक ही स्टेप पर आप इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हो, एंड आंसर इज 7π/12। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। टेन इनवर्स 1 अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया आपने, पाई बाय 4 पे होता है। कॉस अगर माइनस में हो, कॉस और सीकेंट जब माइनस में होता है तब हम पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिखते हैं, और इसको माइनस साइन इनवर्स किसका माइनस कॉमन आ जाता है। फिर इन सब की वैल्यूज़ का मैंने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया, एंड आंसर इज 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2। ये क्वेश्चन 14th है एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, तो ये मैंने टैन इनवर्स रूट 3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री वैल्यू होती है पाई बाय 3, माइनस सीकेंट माइनस में है तो इसको पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 लिखेंगे, एंड पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, सीकेंट इनवर्स 2 पाई बाय 3 पे होता है। तो ये जब ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पाई बाय 3 ये रहा, पाई बाय 3 ये रहा, और पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, एलसीएम लेके सॉल्व करके दिस इज द आंसर।